सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल। पिछली बार बहुत शिकायत की थी इन्होंने। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम लोग आए हैं मॉर्निंग, मतलब दिन में रिसेप्शन पे, दिन वाला रिसेप्शन जो हमारे यहाँ, मतलब हमारे नेबर है उनकी बेटी की, उनकी गुड़िया की शादी है और यहाँ पे दिन में रिसेप्शन दिया गया है नाइट की जगह प्रताप भवन के अंदर। तो हम लोग आए हैं, बाकी हमारी मल्टी के पब्लिक टाइमिंग था 2 बजे से पहले पहले आने का और हम लोग आ रहे 2:30 बजे। इस आदमी की वजह से मैं बहुत लेट हो गई और इन्हीं की वजह से लेट हुई हूँ। अब आ रहे हैं तो सही हम लोग 2:30 बजे। बाकी सब लोग खाना खा के निकल भी गए, बट अब क्या कर सकते। मैं पब्लिक दिखा देती हूँ आप लोगों को कितनी है। तो आप लोग देख सकते हो ये पब्लिक है और सब कुछ ख़त्म हो चुका और ये अब हमको लेके आ रहे हैं। और ये हमारे और एक पड़ोसी हैं, देखो इसको देखो, ये पिंकी को देखो, मुँह क्यों छुपा रही है? अच्छा मेरी वीडियो बना रही है। हाँ, और मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ उसका क्या। हेलो गाइस, तो देखो पिंकी दीदी और भैया को देखो कैसे ठूस रहे अकेले अकेले, और ये पिंकी को पूछ भी नहीं रहे। देखो बेचारी अलग सलग बैठी है, इसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये बहुत चतरी निकली। हाँ तो अब मैं क्यों पूछूं, मैं बोलूंगी क्या? जब पिंकी खा ले बड़ी पिंकी के साथ में, तो ये छोटी पिंकी बोलेगी। पर ऐसी कहावत है कि झूठे मुंह पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ लेते हैं। खा ले पिंकी। मैं बताता हूँ मैडम को कि पैसे आप वसूल होंगे तेरे। हाँ ठीक है, औलादों में तो खुद ही संभालेंगे। सही है कि नहीं? सही है ना? सही है ना? हाँ सही है। मेरी तरह तुम कंजूस बनना ही नहीं चाहते। मेरे मेरे पास देखे थे कल झूठे, किसने देखे कितने थे? एक साल के भी अगर अलग अलग पहने तो चल जाएंगे आराम से। ये फंक्शन में अलग, वो फंक्शन में अलग। एक बार कपड़े घुस के देख अंदर। एक बार कपड़े आके भाभी की साड़ी उन देखिए, पूरी अलमारी भर के। मैं कपड़े घुस के देखना एक बार। तो भी पहनने में एक घंटा लग गया। अगर एक साल पूरा एक जोड़ी पहनेंगे ना तो पूरा साल निकल जाएगा। तो भी आज दिन भर सोचा जब जाके ये ड्रेस चूज करी। 300-400 जोड़ कपड़े मेरा। क्या करूं मैं तो खुद ही परेशान हूं। बिचारी दीदी धो धो के थक जाएगी। अभी मशीन में डाल के भी कपड़ा और मन है नहीं धोने का। 4 मशीन लगेगी। मशीन एक ही लगेगी तो 4 बार कपड़े उसमें डालेंगे। हां वाट लगेगी दीदी की। अभी कल से कपड़ा धुल रहे हैं पर मेरा मन नहीं हो रहा क्योंकि बाहर धूपी सुखा के जो धूपी थी गिरती है दिन भर। तो मैडम को पानी पूरी इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि उसने आधे से पहले पानी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सो अभी हमारा लंच टाइम हो चुका है कंप्लीट, पर मैंने पहले डिनर बोल दिया था। तो अभी मुझे किसी ने समझाया सिखाया जो भी कि रुको रुको रुको, तो मैं रुक गई। अब चलते हैं, थोड़ा सा टूर कर लेते हैं, कुछ वीडियो शूट कर लेते हैं। प्रताप भवन को दिखा दो मेरे को। हाँ प्रताप भवन। ओहो प्रताप भवन है आपकी जिज्जा श्री और ये रहा प्रताप भवन। बस तो हम जिनके यहाँ रिसेप्शन में आए हैं, बहुत ही अच्छा रिसेप्शन था, बट हम लोगों ने उनकी शादी में कोई कैप्चर नहीं किया क्योंकि लड़की जो है जिनके यहाँ शादी में गए थे उनके ससुराल में कुछ अलाउ नहीं था सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो हम लोगों ने उनको जो भी कैप्चर किया था हम लोगों को डिलीट करना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनके ससुराल में जब पहली दुल्हन जाए तो उनको ताने मिले। इसलिए हम लोगों ने कुछ भी कैप्चर नहीं किया, जो भी उनकी रस्में थी हमने सारी डिलीट कर दी थी क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे ये। बट हम लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। ये थोड़ा सा जो व्लॉग है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, इसके लिए सॉरी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो मस्ती भी करी, हम लोगों ने बहुत सारे आम भी तोड़े और आम वाले अंकल डांट के भी गए कि अब आम मत तोड़ना। और यहाँ पर थोड़ा सा म्यूज़िक बज रहा था तो हम दोनों ने डांस भी किया है। और हमारी कैमरा मैन है छोटी पिंकी और मेघा, आप मिल ही चुके हो। सो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, एवरीवन लव यू।